सिंह सभी वक्ताओं और यहाँ पर उपस्थित, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ और मीडिया की मैं बात करूंगा, आप लोगों ने सभी के नाम गिनाए और मैं भी नाम गिनाना चाहूंगा कि आपने सांसदों की बात करी, अधिकारियों की बात करी और एक दूसरे पर छिड़ा किसी की भी बात निकलने लगी। तो उसमें किसी शायर ने कहा था कि ना चिलमन में तुम जहाँ को, ना चिलमन में हम जहाँ के, अरे ना गाड़ो चिलमन में आ, ना तुम जहाँ को ना हम जहाँ के। दूसरा कहा अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे, ए मेरे बहुजन के लोगों यदि तुम सोते रहे तो ये मनुवादी लोग इस देश को ही बेच देंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं मीडिया से अभी एक प्रोग्राम चल रहा था आर्ट फैकल्टी के सामने, वहां जो प्रोफेसर से अपनी मांग को लेके बड़े अच्छे नारे वारे लगा रहे थे, उसी पीरियड में एक हमारे विनोद सोनकर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए थे और उनको जैसे बुलाया मंच पे गए, उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन क्योंकि मेरा खून भी एक दलित है, मेरा खून भी एक बहुजन है, तो मैंने कहा जो प्रोफेसर पास में खड़े थे, मैं कहा दलित मुस्लिम की बात कहां से आ गई, जो मेन टॉपिक है 5 मार्च का जो वो एटोसिटी का है उन पर बुलवाइए। जब उन्होंने शोर शराबा किया, उनको नहीं बोलने दिया, उसके बाद में मेरे भाई बड़े भाई समूहनाथी जो निशुल दर्शक को चला रहे हैं, हम दोनों एका करके हमने ये तक बोल दिया कि जब दलितों पर अत्याचार होता है जनाब, उस समय आपके मुंह के अंदर क्या धैर्य जाती है। हम लोग आप लोगों के सहयोग से ये काम कर रहे हैं, हम लोग इनसे नहीं डरने वाले नहीं है। अगर कहीं खून के बहाने की जरूरत आएगी तो हमारा सोशल मीडिया, हमारा बहुजन मीडिया आपके साथ कंधे से कंधा लगा के काम करेगा और किसी भी संभव हम डरने वाले नहीं है यदि आप लोगों का सहयोग होगा, क्योंकि ये मेंबर पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है। जब ये कैमरा देखते, कैमरा के सामने हम इनसे क्वेश्चन करते हैं, तो अभी दो दिनों की बात आई, अभी उदित राजी हमारे पर उनसे क्वेश्चन कर दिया कि सर आप इस देश के अंदर आरक्षण मुक्त चाहते हैं या आरक्षण मुक्त चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये अभी समय नहीं है। मैं कहा सर आपको लाखों लोग देख रहे हैं और आपको बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। तो साथियों ये आप इनको जोड़ना तो पड़ेगा ना, तो आप सभी लोगों के साथ हम कंधे से कंधा के जो हमारा बहुजन मीडिया है, हम आप लोगों का साथ देंगे, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो सबकी लड़ाई है। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।